ये पर्पज है आना, स्वर स्वर का दर्शन, ये पर्पज है. डेवलपमेंट का मतलब है अभी हम आई एम टेलिंग अ स्टोरी. स्टोरी शुरू हो रहा है ना अभी, तो स्टोरी कहाँ से बनेगा? स्टोरी के लिए अभी एलिमेंट्स में जाओ. सो बेसिक एलिमेंट क्या है? वर्ड. वर्ड को मीनिंग है, उसके अक्षर को मीनिंग नहीं है ना. स्टोरी बनाने को पहला शुरुआत अक्षर से नहीं करेंगे, वर्ड शब्द से करेंगे, बिकॉज शब्द को मीनिंग है. तो मेरा शब्द म्यूजिकल इसमें क्या हो गया, छोटा सा फ्रेज हो गया ना, एक स्वर अक्षर हो गया. तो स्वर से कुछ नहीं बनने वाला, उस अक्षर का एक शब्द बनाना है जिसका मीनिंग होगा, और उसके बाद में दूसरा शब्द आएगा, और चार पांच शब्द बन के एक सेंटेंस बनेगा. उस सेंटेंस का मीनिंग होगा, उस सेंटेंस को तीन चार सेंटेंसेस बना के एक पैराग्राफ बन जाएगा, उसका मीनिंग होगा. उसके बाद उस स्टोरी को आगे लेके जाना. जस्ट इमेजिन, डेवलपमेंट इज अ स्टोरी, स्टोरी टेलिंग. सो मैंने आगे शुरू किया स्टोरी. सो स्टोरी में क्या है, एक्सपेक्टेशन है ना आगे. अरे भाई आगे क्या, सा तो लगा लिया, आगे क्या. सो ये होना चाहिए ना. तो मैं सा जब लगाऊंगा तो मेरे मन में स्टोरी है, थोड़ा सा पिक्चर है. अब मेरा वर्ड बन गया. पहला वर्ड है. अब उस वर्ड का आगे का वर्ड दाना हो गया. सेंटेंस मैं हूँ, मेरा नाम ये. आगे चलते हैं. अभी ये रे कितना खींचू मैं, स्टोरी टेलिंग है ना. स्टोरी टेलिंग में खींचते रहते हैं हम लोग, खत्म नहीं करते फटाफट. अरे भैया ये रे है, देखो. लेकिन ये सार दादा. अभी लॉजिकली आगे क्या आना है? दादा. अब मेरे को दो रास्ते हैं. दादा ये तो कर चुका हूँ. दादा वो भी है ना, पहला पैराग्राफ खत्म. अब आगे दादा. अब आगे जाना है दादा. तो दिखा दिए दाना ताना ता ताना दाना ता. दूसरा सुन लेंगे दादा. अब मेरे को गा दिखाना. सो दिस इज समथिंग पंद्रह दे खूब चाहना है सांता. सो द वे मैं गुरु जी टोल मी कि मैं गार्डन में घूम रहा हूँ, मेरे को तो गार्डन मालूम है, मैं रोज गार्डन में रोज घूमता हूँ. और मेरे को मालूम है कि यहाँ जाऊँगा तो गुलाब होंगे, यहाँ जाएगा तो ये गुलाब, यहाँ जाएगा. मेरे को ये भी मालूम है कि यहाँ का गुलाब ना कल खिला था इतना बड़ा, तो मैं उस गली में जाऊँगा और दिखाऊँगा कि ये देखो कितना अच्छा दिखा के फिर वापस लौट गया, फिर यहाँ गया, फिर ये दिखाया, फिर वापस आ गया. इट इज लाइक शोइंग दैट डेवलपमेंट वो है. सो
सो पहले तो मुझे कुछ ब्यूटीफुल दिखना चाहिए एंड देन आई शुड बी एबल टू शो इट टू यू, बस यही है. अब मुझे ही कुछ नहीं दिखेगा तो मैं क्या दिखूंगा. अनदर एनालॉजी इज इमेजिन आप पहाड़ पे चल रहे हैं, आपका रोज का चढ़ने का रास्ता है, सो यू नो द व्यूज. मैं इधर जाके रुकता हूँ, मैं मेरे रेस्ट की जगह भी है, मैं इधर जाके अरे यहाँ से ये नज़ारा देखता हूँ वो दिखा दो, वहाँ पर थोड़ी देर रुकती हूँ दिखा दो नज़ारा वापस आ जाते हैं. ये है ये डेवलपमेंट है. तो ये जो नज़ारा दिखाने वाली बात है ये उपज है, उसमें मैं उपज कर रहा हूँ. कल उपज और भारत थोड़ा सा वो करके वापस आ गया, ऊपर चले बड़ा तो गए. एक जगह में ऊपर उठना दिखा दिया, फिर बढ़त हो गया, आगे चले गए. ऐसे बढ़ते 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 ऊपर के साथ तो पहुंच जाएंगे, ऊपर टच करके दिखा के फिर नीचे आएंगे. अब नीचे आना है वो उसी, हम लोग चढ़ने में तो इतना टाइम ले लिया, सो नीचे आना विल ऑलवेज बी वे टू फास्टर देन वे. दूसरा एक चीज, आलाप का जो लय है वो लय सेम है. तो मैंने अभी शुरुआत किया, आई स्टार्टेड विथ अब मैं इस इतनी स्पेस में जब मैं तीन के बजाय छह सुर भर रहा हूं तो क्या होगा, सो क्या होना वाला है. मैं ये नहीं करूंगा, ग दिखाना है ना, तो मैं धसा रहे क्यों उस लय में लेके जाऊ, मेरा होगा क्या. सारे कल्याण में पौरे हैं बट देन अरे ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. उसको कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कल वाली बात द सा रे ग प ग रे द सा सेंटेंस खत्म. बट ये अगेन दिस इज लाइक लर्निंग अ लैंग्वेज बट समबडी हैज टू टीच यू. ये अपने आप एस्थेटिक पॉइंट्स जो इसके हैं, सो एस्थेटिक इज अ वेरी यू नो ट्रिकी थिंग. व्हाट इज एस्थेटिक, सो एस्थेटिक के पहले सो एस्थेटिक इज द लास्ट थिंग एंड एस्थेटिक के पहले उसका जो कंटेंट है वो डिफाइन होना चाहिए. सो मुझे चलन इंटरनलाइज हो जाना चाहिए उसके, उसी के बाद में एंड देन एस्थेटिक हैज टू डू मोर विद संस्कार. संस्कार जब तक नहीं है तो एस्थेटिक. हाउ यू हैव बीन टॉट टू सी थिंग्स एंड द टीचर और द गुरु डजंट ओनली टीच यू वन वे, द गुरु गिव यू द लॉजिक बिहाइंड. फिर बोलता है कि आप अपना डरो, अच्छा गुरु जो है वो समझाएगा कि ये मैंने कैसे किया, मैंने क्या उसका क्या नहीं फॉलो करना, गुरु का क्या नहीं फॉलो करना, गुरु का कैसे फॉलो करना, उसने कैसे किया. अब उस कैसे से मेरे बहुत सारे क्या निकलने चाहिए.
ना, नहीं तो सब छाप निकलेंगे ना, ऐसे निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। द रा दा द न ता ना ना, ये भूप भूप ऐसे ही होगा, बट लेकिन वो भी रोज अलग है। द दा ता न ता ना ना, दा दा ता न ता ना, इसको कौन करते हैं? सीखनी चाहिए। कितना डिस्टेंस जाना है उसमें क्या करना चाहिए? दसा दसा रे दसा गे दसा सा द प दसा रे दसा दसा रे ग रे 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 दसा रे ग रे ग प प रे ग रे दसा सा रे ग प यू रे ग प। तो बहुत ज्यादा ऊपर जाना है तो मैं फिर से नीचे नीचे नहीं जाऊंगा, फिर मैं ग से शुरू करूंगा। ग प द सा द प रे द सा। सो ये सब एक बार इंटरनलाइज हो गया, राग का पूरा पिक्चर उसमें एकदम क्लियर है कि मैं यहाँ हूँ, ये करना है, ये करना है, ऐसे भी नहीं होता। सो एक पॉइंट फिर आ जाता है कि सुर अगर सच्चे लगे, सही सही लगे, तो अपने को कुछ नहीं करना, भूख ही अपने को उठा के ले जाना। एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए भी वो बहुत जरूरी, उसको एंजॉय करने के लिए अगर सुर ठीक लगे तो ही तो ही हो सकता है। भाई अभी हो रहा है ना आपको, आप ना आप कल से आप एंजॉय कर रहे हो ना, सो रियाज एंजॉय करना इज द फर्स्ट स्टेप।